हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजी क्लासेस। आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं हम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निजिम इजेकिल। निजिम इजेकिल के द्वारा जो पोईम उनकी लिखी है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो इस तरीके से हम लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, नोट्स हैं, लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पर। तो अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। When was Nizam Ezekiel born? Nizam Ezekiel का जन्म कब हुआ था? 1924 में। Next, when did he die? उनकी डेथ कब हुई थी? 2004 में। Next, where was Nizam Ezekiel born? Nizam Ezekiel का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में। Next, from which book the poem Night of the Scorpion is extracted? Night of the Scorpion जो poem है वो किस book से extract की गई है? वो है the exact name। Next, what had driven the scorpion to the poet's home? किस चीज की वजह से स्कॉर्पियन पोइट्स के होम में, पोइट्स के घर में आ गया था? रेन। रेन की वजह से, क्योंकि बाहर रेन हो रही थी, बारिश हो रही थी, जिससे बचने के लिए वो अंदर घर में घुस गया था। नेक्स्ट है, हु वाज स्टंच बाय स्कॉर्पियन? स्कॉर्पियन के द्वारा किसको स्टंच किया जाता है, किसे काट लिया जाता है? पोइट्स मदर, पोइट की मदर को। नेक्स्ट, वेयर डिड द स्कॉर्पियन हाइड? स्कॉर्पियन कहाँ छिप जाता है? अंडर अ सेक ऑफ राइस, राइस के सेक के नीचे। नेक्स्ट, Who came like swarms? Swarms की तरह कौन आता है? Villagers। यानी कि जब ये न्यूज फैल जाती है कि जो पोइट की मदर है उसको स्कॉर्पियन ने काट लिया है, तो विलेजर्स भी अपना अपनी जो चिंता है उसको दिखाने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं और स्वाम्स की तरह एकदम से झुंड बनाकर आ जाते हैं। Who buzzed the name of God 100 times? गॉड का नाम 100 टाइम्स बाद कौन बज करता है? विलेजर्स भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि सभी विलेजर्स कैसे हैं? सुपरस्टिशियस हैं। नेक्स्ट है, द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, द फिगर ऑफ स्पीच इज। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? वो है सिमली। नेक्स्ट, द स्टिंच ऑफ द स्कॉर्पियन इज, स्कॉर्पियन का स्टिंच कैसा है? पेनफुल एंड कैन कॉज डेथ, डेथ भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट, What may be the cause of this pain according to villagers? Villagers के according इस pain का क्या कारण है? जो poets की mother को काट लिया जाता है scorpion द्वारा और उन्हें जो pain हो रहा है, इस pain का क्या कारण है? क्या कहते हैं villagers? वो कहते हैं sins of previous birth, ये पिछले जन्म के sins हैं, पाप हैं, जिनका दर्द ये अभी सहन करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द मदर लाइंग? मदर कहाँ लेटी हुई है? ऑन अ मैट, मैट पर। द पोइट्स फादर वॉज, पोइट के फादर कैसे हैं? स्केप्टिक हैं और रैशनलिस्ट हैं। नेक्स्ट, अ स्केप्टिक इज अ पर्सन, स्केप्टिक पर्सन वो होता है जो डाउट्स एवरीथिंग, जिसे हर चीज पर डाउट होता है। नेक्स्ट, हु बर्नड पैराफिन ऑन द बाइट, बाइट पर पैराफिन कौन जलाता है? नरेटर्स यानी कि पोइट के फादर। नेक्स्ट, हु ट्राइड टू क्योर विद इनकैंटेशन, इनकैंटेशन से कौन क्योर करने की कोशिश करता है? इनकैंटेशन यानी मंत्रों के उच्चारण से कौन क्योर करने की कोशिश करता है? द होली मैन। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स डिड शी रिकवर, मदर जो है वो कितने आवर्स बाद रिकवर होती है? 20 आवर्स बाद। नेक्स्ट, वाई डिड द मदर थैंक गॉड, मदर गॉड को थैंक क्यों करती है? द स्कॉर्पियन स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन, कि स्कॉर्पियन ने उसके बच्चों को बचा दिया और उसे काट लिया। यानी कि वो यहाँ पर मदरली अफेक्शन दिखाया गया है कि जो अपने बच्चों, मदर अपने बच्चों से कितना प्यार करती है कि उस गॉड ने, मतलब गॉड का थैंक करती है कि उसके बच्चों को बचा दिया। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड इट रेन, कितने टाइम से बारिश हो रही है? तो 10 आवर्स से कॉन्टिन्यूस बारिश हो रही है। नेक्स्ट, द थीम ऑफ द पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोइम है इसकी थीम क्या है, कैसी है? ये डोमेस्टिक थीम है। नेक्स्ट, द वर्ड फ्लैश मीन्स, फ्लैश वर्ड इसका मीन क्या है? अ क्विक एंड सडन एक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कॉर्पियन रेफर टू इन द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में स्कॉर्पियन को किस रूप में रेफर किया गया है? द ईविल वन, एक ईविल वन के रूप में रेफर किया गया है। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पीजेंट्स से द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, पीजेंट्स गॉड का नेम 100 टाइम्स बार क्यों ले रहे थे, क्यों लिया उन्होंने गॉड का नेम 100 टाइम्स? टू पैरालाइज द ईविल वन, उस ईविल वन को पैरालाइज करने के लिए, यानी कि उस स्कॉर्पियन को पैरालाइज करने के लिए। वो ऐसा मानते थे कि इस तरीके से, मतलब भगवान का नाम अगर 100 टाइम्स बार लिया जाए तो जिस जो ईविल है यानी कि जो स्कॉर्पियन है वो पैरालाइज हो जाएगा, उसका जो
इफेक्ट है वो पैरालाइज हो जाएगा। नेक्स्ट द फ्रेज क्लिक्ड देयर टंग्स एक्सप्रेसेस, यहाँ पर जो फ्रेज है क्लिक्ड देयर टंग्स ये क्या एक्सप्रेस करता है, दैट द पीजेंट्स फेलियर टू फाइंड द स्कॉर्पियन, कि उनकी जो फेलियर है पीजेंट्स की स्कॉर्पियन को ढूंढने की वो फेल हो जाते हैं, वो उससे कोशिश करते हैं लेंटन्स को लेकर स्कॉर्पियन को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें स्कॉर्पियन कहीं नहीं मिलता है, उसके बाद वो क्लिक्ड देयर टंग्स, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन यूज किया गया है उनके लिए जिसका मतलब है कि वो स्कॉर्पियन को ढूंढने में फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पीजेंट्स वांट द स्कॉर्पियन टू सिट स्टिल, पीजेंट्स क्यों चाहते हैं कि जो स्कॉर्पियन है वो एक जगह बैठा रहे, मूव ना करे, वो ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज दे बिलीव्ड दैट, क्योंकि वो ऐसा बिलीव करते हैं कि विद द मूवमेंट ऑफ द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन के मूवमेंट के साथ साथ द पॉइजन मूव्ड इन द मदर्स बॉडी, पॉइजन भी मदर की बॉडी में मूव करेगा, यानी जैसे जैसे एक स्कॉर्पियन मूव करेगा वैसे वैसे पॉइजन भी मदर की बॉडी में मूव करेगा, इसलिए वो चाहते हैं कि जो स्कॉर्पियन है वो एक जगह स्टिल बैठ जाए तो पॉइजन भी रुक जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट टू थिंग्स डिड द पीजेंट्स यूज टू सर्च फॉर द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन को सर्च करने के लिए वो कौन सी दो चीजों का यूज करते हैं, वो कैंडल्स और लेंटर्न्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कैसी पोएम है, ये नैरेटिव पोएम है ऑफ इमोशनल नेचर। नेक्स्ट, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द पोएम, पोएम का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, पोइट्स मदर। नेक्स्ट, हुज शेडोज आर सीन ऑन द वॉल्स, वॉल्स पर किसकी शेडोज पड़ रही थी, विलेजर्स की शेडोज, इनकी जब वो स्कॉर्पियन को लेंटर्न्स और कैंडल्स लेकर ढूंढते हैं तो जो शेडोज हैं वो वॉल्स पर बहुत ही बड़ी बड़ी शेडोज पड़ रही थी, वो किसकी थी, वो विलेजर्स की थी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द विलेजर्स द पॉइजन विल प्यूरिफाई, विलेजर्स के अकॉर्डिंग पॉइजन क्या प्यूरिफाई करेगा, मदर्स की फ्लैश ऑफ डिजायर को एंड स्पिरिट ऑफ एम्बिशन को प्यूरिफाई करेगा। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द मदर्स बॉडी इज बिटन बाय द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन ने मदर की किस बॉडी पार्ट को बिट किया था, टो को किया था। नेक्स्ट, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बिलोंग्स टू, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बिलोंग करती है किससे, द मिडिल फेज ऑफ इजेकिल्स राइटिंग, इजेकिल की जो राइटिंग थी उसका जो मिडिल फेज था उस फेज से बिलोंग करती है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नेक्स्ट, द विलेजर्स वर, विलेजर्स कैसे थे, अनएजुकेटेड एंड सुपरस्टिशियस थे। नेक्स्ट, व्हाट ट्रीटमेंट डज द पोएट्स फादर यूज, पोएट के फादर ने क्या क्या ट्रीटमेंट यूज किया था, तो उन्होंने पाउडर यूज किया, मिक्सचर यूज किया, हर्ब यूज किया, हाइब्रिड यूज किया एंड पैराफिन यूज किया। तो ये यहाँ पर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से आपके लिए हम लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस से नोट्स लेकर आते रहते हैं, तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, जब भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाता है। थैंक यू।